चलो अभी जो है हम लोग फाइनली कराची से निकल रहे हैं। कराची को बाय बाय कर दो। और बाय बाय कराची। चलो मैंने निकाल लिया भाई कोल्ड ड्रिंक और हाई में निकाल लिए चिप्स। पार्टी करते हुए जाएंगे। जी तो हम लोग घर आ गए भाई। और सारी शॉपिंग जो है ना हमने एक ही दिन में कंप्लीट करी है, जिसमें से हमने जूते भी ले लिए भाई वहाँ जाने के लिए और रास्ते के लिए भी सब जूते वूते ले लिए। और ये शूज़ थे जो पापा मम्मी लोग लाए थे, तो वो मैं यही उठा रही हूँ, बिलाल के भी, परीक्षे लोगों के भी। इससे प्यारा सा भाई, भाई ने जो है ना दुबई से बैठा था, तो ये भी उठा रही हूँ मैं साथ। तो ये वाला जो खास है ना, ये हाइम के लिए आया हुआ है बाहर से, यानी कि अमेरिका से आया हुआ है। माहिंग की जो सास है उन्होंने खास तौर पर भाई हाइम के लिए मंगवाया था, तो उन्होंने कहा भाई आप लोग ट्रिप पर जा रहे हैं तो ये वाला जो शर्ट है ना वो हाइम को लाजमी पहनानी है। तो बस फिर शुरू करते हैं अपनी पैकिंग। और जी प्यारा सा गिफ्ट आज हमें आया है गैजीफाई की तरफ से, अभी ओपन करते हैं देखते हैं इसमें क्या क्या है। अच्छा जी ये इन्होंने जो है मोबाइल कवर्स भेजे हुए हैं। एक ये मोबाइल कवर है भाई, आईफोन नहीं भेजा, मोबाइल कवर भेजा, ठीक है जी। और ये जो है इन्होंने हाइम और परीक्षा के लिए हेडफोन्स वगैरह भेजे हुए। थैंक यू जी। परीक्षा ने जो है नींद से उठते सारे हेडफोन्स लगवा भी लिए, क्या बात है भाई। सबसे पहले आप ही रेडी हुई है मैडम जी। और सबसे पहले कहाँ जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, आप में नहा लिए, अब आप स्लीपर विपर्स पहनो, हेयर में थोड़ी सी ऑयलिंग कर लो, क्योंकि रास्ते में जो है ना आपकी जुल्फे यू 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 उड़ेंगी। सही है, ऑयलिंग नहीं करोगी, वजह ऑयलिंग करनी है, सही है, करोगी ना ऑयलिंग। देखा कैसा सॉफ्टवेयर अपडेट किया मैंने। आपके इसमें से कौन से हम देखते हैं, ये निकालो इसको पकड़ो, ये हैं। अरे ये तो मेरी बेबी के हैं पड़ी से, ये पहन के जाओगी आप, ठीक है। पहन लूं? अभी नहीं, जाते हुए पहन गीले? अभी नहीं ना, जाते हुए पहन के जाएंगे, हम ये बॉक्सेस नीचे रख लेते हैं, ठीक है। और इसमें जो है हाइम भैया के, ये पबजी वाले नहीं है बाजी, ये हाइम के नॉर्मल वाले प्रिंटेड है, ठीक है। अब आप पहले बाल तो बना लो, चलो आओ शाबाश, चलो चलो जी, आप तो सबसे पहले रेडी हो गए। तो कब से लाए हुए थे, है ना, अच्छा लगे आपको, आपने देखे नहीं थे कल में चश्मा। अरे क्या करते हो भाई साहब, रात में जा रहे हैं हम, दिन में चश्मा पहनते हैं हम, ठीक है। ओके जी, तो मैं भी चेंज वेंज करके रेडी हो गई हूँ, बस इस वक्त जो है बैग्स पैक हो चुके हैं, ये भी पैक हो गया मेरा बैग, ये वाला पैक हो गया और ये बैग पैक भी पैक हो गया, बाकी बिलाल आएंगे अभी और एक बैग मेरा नीचे है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ दो बैग लेके जा रही हूँ, क्योंकि भाई बच्चे हैं, सामान चाहिए होता है। डांट मैंने क्यों सुनी, क्योंकि बिलाल ने कहा बैग्स बहुत ज़्यादा, तुम लोगों ने सामान इतने कर लिए, क्योंकि हम लोग जो है ना अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, यानी कि हाइम और परीक्षा की मुन्ना में जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम ट्रैवल है भाई उसमें हमारा बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव पे। तो अल्लाह पाक खैर और खैरियत से ले जाए, आप लोग सब अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमारा सफ़र शुरू होने वाला है बस। और अभी नीचे उतरते हैं और चेक करते हैं भाई तैयारी कहाँ कहाँ तक पहुँची जो है भाई, हमारी ऑलमोस्ट डन है। हम लोग जो है खाना शाना खा के घर से निकले, क्योंकि तकरीबन हमें निकलना है 2:30 या 3 बजे, तो हमने प्लान किया कि खाना वाना खा के ही निकलेंगे, बाकी जो भी थोड़ा बहुत खाना होगा, भूख लग गई तो वो तो रास्ते में बहुत सारे होटल आते हैं तो वहीं पे कंटिन्यू करेंगे भूख अपनी। अरे बैग खोलने की तैयारी चल रही है हम लोगों की, और शॉपर्स माशाल्लाह देखेंगे, ये शॉपर्स के बगैर तो पैकिंग होती नहीं है। तो बस अब उतरते हैं, निकलने की करते हैं, चले बस चले। ये और ये रह गए ना, और आई परीक्षा का तो नीचे बैग पैक, तो मैं उठा रही हूँ ना, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, थोड़ा सा तो कर लो, चलो लेट्स गो। और कमरा मैं बंद करके निकलती हूँ, आप करके सब चेक कर लेना, ठीक है। चलें जी बैग उठाते हैं और रूम को करते हैं अल्लाह के सुपर्द और अल्लाह के हवाले। ढोल वोल थोड़ी उठा के लेके जाने, क्या हो गया, शो दिखाओगे ढोल बजा के? एक काम करना, सनरूफ से निकल जाना, उसमें ढोल बजा बजा के जाना, ठीक है ना, बेस्ट आइडिया। कुछ सामान बाबा लोग उठा रहे, कुछ आप भी उठा लो, ढोल उठा के ले जा, जो सामान उठाने का वो गाड़ी में इसके साथ ही बैठूंगा। नहीं कोई नहीं, ढोल छोल नहीं जाएगा भाई साहब, क्या हो गया, कोई नहीं, चलो बैग उठाओ जाओ। हमें बहुत सारी दुआएं देना, ओके, लंबे सफर में जा रहे हैं हम लोग। आमीन आमीन। अब कूलर लेके जा रही हो, वाह भाई, मेन चीज तो परीक्षा लेके जा रही है। नंबर प्लेट चेंज कर लिया, निकाल लिया, कबाड़ की चाबी भी ले आया, वेरी नाइस। एक काम किया वो भी उल्टा, पूरी की डिग्गी खाली है, अब तो शॉपरे ही शॉपरे। पापा आपको क्या लगता है आ जाएगा सामान इसमें? ये भी जाएगा? नहीं जरूरत नहीं है, अंदर रखो उसको, नहीं जरूरत, पागल ढोल लेके जा रहे हो, ये असल चीज देखो, परीक्षा के पास है पानी। चलें जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये क्या बात है भाई साहब,
आप आगे बढ़ गए, हमारा सफर स्टार्ट हो रहा है। एक्साइटेड हो हम लोग, मुन्ना में, मुन्ना में जा रहे हैं हम लोग जी। मैंने यहाँ पे सोई था, सो भी गई थी आप हैं इतनी देर में, आप सो भी गई थी। बोला तो मजा आने वाला है, हमारा ट्रिप शुरू होने वाला है। बोला सो रहा ना, अभी तो सो गया, आप लोग आधे घंटे में सो जाओगे। चलो अनस, बाय बाय, गाड़ी को भूख लग रही है, गाड़ी कह रही मुझे कुछ खिलाओ पिलाओ। यार एक सेकंड में पूछ, मैम कितने का भरा? थैंक यू, फुल फुल करा दो भाई। हेलो बच्चा बड्डी, क्या कर रहे हो आप लोग? कौन सा माँ ले लो आए, आपको कौन सा चाहिए? हेल्दी वाला? कौन सा हेल्दी वाला भाई? आप भी देखे देखे तो सेम हेल्दी वाला, कौन सा जूस आए पिक कर रहे हैं? अच्छा ये मिल्क वाला परीक्षा, आप कौन सा? मम्मा ये नहीं, मम्मा इससे गला खराब हो जाएगा, आप आम की तरह मिल्क वाला ले लो। ये रहा स्ट्रॉबेरी, आम ने मिल्क वाला लिया ना, ठीक है आम टॉय तो अभी नहीं लेंगे ना, टॉय वहाँ से लेंगे ना जब अभी जहाँ पाकिस्तान टूर पे जा रहे हैं। मम्मा पैक कर लो, मम्मा चॉकलेट, चॉकलेट लोगे आप? चॉकलेट फेवरेट है। विशु क्या करा रही हो अब? चेक इन करा रही हूँ। ये मम्मा पता नहीं क्या हार्ड चॉकलेट है, इतनी सारी चीजें लेके दादू ने पहले से ली हुई चीजें इतनी यार। हाँ और भी लेनी है परिचय, देखो आई तो समझते ही नहीं है। ठीक है मम्मा, पहले पेट्रोल वगैरह भरवा के हाइम पर छह लोगों ने अपनी चीज ली, पर अब बिलाल को भूख लग गई है तो अच्छा है कि हमें डायरेक्ट के मम्मी यही कह रही तुम लोग फजर कर दो कि कराची से निकल निकलने। चलो जी देखते हैं बंदर क्या क्या मिलता है हम लोगों को। पेटिस वगैरह पूछ लेना इनसे, पेटिस वगैरह मिलेगा, सिर्फ मिठाइयाँ यहाँ पे। बिलाल को लग रही है भूख और यहाँ टोटल मिठाइयाँ मिल गई सजा ना खाने की, अब खाओ मिठाइयाँ। अभी बाहर चलते हैं, एक और कोई जगह देखते हैं भाई। कुछ नहीं मिला क्योंकि ये बेसिकली मिठाई की शॉप है, हमें लगा कराची में भी समोसे पेटिस मिलते हैं, पर वो लोग ये कह रहे हैं कि ऑब्वियसली बात है भाई टाइम आउट है, रात के 3 बज रहे, कहाँ से मिलेगा। चलो अभी जो है हम लोग फाइनली कराची से निकल रहे हैं, कराची को बाय बाय कर दो। और बाय बाय कराची, चलो मैंने निकाल लिया भाई कोल्ड ड्रिंक और हाइम ने निकाल लिया चिप्स, पार्टी करते हुए जाएंगे। मामा सुबह हो गए ना? यस। अभी आप बताओ हम कहाँ पहुँचे? चलो भाई हम लोग जो है सखर पहुंचे, तकरीबन 247 किलोमीटर दूर है, और जब तक 247 किलोमीटर क्रॉस होगा इनकी नींद भी पूरी हो चुकी होगी। चलो भाई हम लोग जो है सदका देते हुए जा रहे हैं, बस अल्लाह पाक खैर खैर से पहुँचा दे। चारों क्लास एक साथ ही हैं, ठंडा बर्फ डाल दिया, ठंडा पानी है अभी, बर्फ डलवा रहे थे ना यार, तो ठंडा हुआ पानी। बड़ा पीस डलवाया कि छोटा? बड़ा पीस। सही है जी, नींद पूरी नहीं हो रही बाजी, सब सो रहे भाई पीछे, एक कमी जा रही। ओ भाई साहब कितनी सारी गाय, अभी आई इम्प्रेस होता है कहते रोको गाड़ी यहीं पर ही, अभी रोड क्रॉस करी ना, पर दोनों सोए में, दोनों सोए हैं ना, दोनों सोए, वरना अभी यहीं पर रुकनी पड़ती गाड़ी, वरना गाड़ी रुक जाए, गाड़ी रुक जाए। गुंबर्ड आ गया परिचय, ये पकड़ो गुंबर्ड, दादू को तो गुंबर्ड आ गया, गुंबर्ड आईम साहब तो उतर गया भाई परिचय, बहुत भूख लग गई थी। हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट गंबर्ड नाम है भाई इस इलाके का, और मैं आगे इसलिए बैठी थी, उसका रीज़न ये था कि बिलाल और पापा पहले आगे बैठे बैठे, पर पापा को भी थोड़ी नींद आ रही थी, तो ड्राइवर के साथ कभी भी बराबर में वो बंदा ना बैठे जिसको नींद आ रही, तो पापा को हमने कहा भाई आप पीछे जाके थोड़ा रेस्ट करिए जब तक मैं आगे बैठ रही हूँ, तो पापा में लग रही भूख बहुत।
हम नाश्ता वाश्ता करने के लिए आ गए। चाउमिन तो नहीं दे दिया उन्होंने बिरयानी की जगह में? बिरयानी वाह मम्मी अच्छी लग रही है वैसे, ट्राई करते हैं। चलो बिस्मिल्लाह करो भाई। माश की दाल और रोटियाँ वगैरह भी आ गई है। थोड़ी सी ट्रैवलिंग की वजह से तबीयत खराब हो गई, बहुत आपकी दही आ गई। अब आप मूड तो अच्छा कर लो। नहीं भाई नींद में भी थोड़ा सा तबीयत भी ऑफ हो गई है की। गाड़ी में फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, इतना लंबा रोड ट्रिप हो रहा है हमारा माशाल्लाह से। तो बच्चे हैं ना यूज टू नहीं इस चीज़ के लिए, वैसे तो हम ट्रैवलिंग करते हैं मगर अब थोड़ी सी ऑफ हो रही है, मेरा स्टमक हर्ट हो रहा है। दही वगैरह मंगवाई ताकि थोड़ा सेट हो जाए तबीयत। मज़ा आ गया भाई। हाँ आपको मज़ा आया नाश्ता करके? कितना मज़ा आया, आपने तो सही से खाया भी नहीं ना कुछ। नींद पूरी नहीं हो रही है भाई, ना इनकी नींद पूरी हो रही है ना इनकी नींद पूरी हो रही है। सो ही मैडम आ जाके देखो। तो जी भाई नाश्ता कर लियो, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। देख रहे हैं हाइम की आंखें भी नहीं खुल रही इस वक्त। अब हम लोग को बस सखर जो है पहुँचना है। पापा आप आगे बैठ रहे, आपकी नींद तो पूरी हो गई है ना, आप बैठ जाए ना पापा आगे। अरे आप बैठो, आपकी नींद तो हो गई ना। डायरेक्ट ड्राइविंग पे पापा आएंगे। तो जी अभी तकरीबन 4:45 बज रहे हैं और हम लोग मुल्तान पहुंच गए हैं। मुल्तान के करीब हैं, मुल्तान में खड़े हैं। हाँ मुल्तान में खड़े हैं। सोई भी थी इसलिए मुझे ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए बिलाल से पूछना पड़ा। ड्राइविंग भी बिलाल है ना असल में, हमारे ड्राइवर भाई से पूछना पड़ता है। तो अभी मुल्तान में पहुंच चुके हैं हम लोग और अभी थोड़ा खाना शाना खाते हैं। चलो भाई खाना आ गया। अम्मी को कुछ ज़्यादा पसंद आ रहा है अम्मी यहाँ का खाना, जबकि मैंने रिजेक्ट कर दिया था। मैंने प्लान किया था कि मोटो में आगे जाके खाना खाएंगे, पर सबको जाने से ना भूल तो बस इंतजार खत्म होता है, खाना स्टार्ट करते हैं। चलो जी भिंडी भी आ गई। हम खाओगे भिंडी? वाह भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह।